राहुल गांधी की न्याय यात्रा को असम पुलिस ने रोक दिया। दरअसल राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर में जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए और बैरिकेडिंग तोड़ दी। उधर राहुल गांधी ने कहा कि असम में जिस रास्ते पर हमारी यात्रा को रोका गया है, उसी रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली निकली है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर लगे बैरिकेडिंग हटा दिए हैं, इसीलिए यात्रा उस रास्ते से निकाली गई जहां से हमें अनुमति मिली है। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि ऐसा बर्ताव असमीय कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये नक्सली गतिविधि हमारे संस्कृति से अलग है। मैंने असम पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए एफआईआर दर्ज करें। इससे पहले असम पुलिस ने कहा था कि अगर न्याय यात्रा शहर में गई तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रशासन ने रैली को नेशनल हाईवे पर जाने का निर्देश दिया है, जो कि शहर के चारों ओर रिंग रोड की तरह ही काम करता है। राहुल की न्याय यात्रा 18 जनवरी को नागालैंड से असम पहुंची थी, 20 जनवरी को यात्रा अरुणाचल प्रदेश गई, फिर 21 को असम लौट आई। इसके बाद यात्रा 22 जनवरी को मेघालय निकली और मंगलवार को एक बार फिर असम पहुंची। फिलहाल राहुल की न्याय यात्रा 25 जनवरी तक असम में ही रहेगी।